हेलो डियर बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स ऑफ दिस आपका अपना प्यारा सा चैनल गुरु नानक एकेडमी ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, और मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर अमन सहगल। सोच रहे होंगे कि आज क्या पढ़ाने वाला हूं। आज कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं, रैदर बातें करने वाला हूं, कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जो शायद आपके जीवन को दे देगा नया रास्ता और आपको अपने जीवन में कामयाबी पाना हो जाएगा आसान। सवाल आता है, सर ये क्या हो रहा है? बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा रिकॉर्डेड सेमिनार। मैं इससे पहले कई सारे लाइव सेमिनार ले चुका हूं, लेकिन ये एक रिकॉर्डेड सेमिनार है जो कि मैं स्पेसिफिकली अपने यूट्यूब के व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। और सेमिनार आप लोगों ने देख लिया है कि दिस इज अ करियर काउंसलिंग सेमिनार। तो जाग जाओ क्लास टेंथ के बच्चों, जिन्होंने क्लास टेंथ के एग्जाम 2020 में बोर्ड के एग्जाम दिए हैं। वक्त चल रहा है कोरोना का, अमन सर कह रहे हैं तुम डरो ना, 21 दिन जो बैठे हो घर में ये वीडियो देख के अपना टारगेट चुनो ना। बिल्कुल सही। तो वो सभी स्टूडेंट जो 2020 में 21 दिन के लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, बिल्कुल सही, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई करे तो करे क्या, नई पढ़ाई शुरू करे तो या क्या करे। देखो, नई पढ़ाई क्या शुरू करनी है उसको जानने से पहले आपको यह जानना है कि किस चीज की पढ़ाई शुरू करनी है। बिल्कुल सही, व्हाट टू चूज या व्हाट स्ट्रीम टू चूज आफ्टर 10th क्लास एंड व्हाई टू चूज। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अगर मैं एक बार कहना शुरू करूं और बोलना शुरू करूं और बातें करना शुरू करूं तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाए, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपको बूस्टअप करूंगा, इस वीडियो के जरिए मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और इस वीडियो के जरिए मैं आपकी 80% कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। लेकिन बची हुई 20% कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी मैं ही आपके काम आऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मेरी मदद ले, आप मेरे अलावा अपने आसपास उन सब लोगों की मदद ले सकते हैं जो आपको ईमानदारी से सही एडवाइस करने के लिए बैठे हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हमारा शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सेमिनार, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट स्ट्रीम शुड यू चूज, क्या पढ़े, क्या जाने, क्या समझे, क्या चुने, क्या बने अपने जीवन में, जिससे कि आपको कामयाबी मिल सके आसानी से। बच्चा बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि क्लास 10th के बाद 11th में जाने से पहले कुछ स्ट्रीम्स हैं जिनका चुना जाना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कूल में ऑलरेडी स्ट्रीम सिलेक्शन हो चुका होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूल में स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और वो अभी भी कंफ्यूजन में जी रहे होंगे। मेरा ये वीडियो वो सारे बच्चों के काम आएगा जो 10th से 11th में जा रहे हैं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप एक टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने जूनियर और अपने सीनियर्स के साथ शेयर करें। आप जिस भी क्लास में, जो भी 10th क्लास का स्टूडेंट है या जो भी कंफ्यूज है उसकी आप मदद कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि क्लास 10th के बाद स्कूल्स में अक्सर 3 तरह की स्ट्रीम्स बच्चों को पढ़ाई जाती है, एक जिसे कहा जाता है साइंस, एक जिसे कहा जाता है कॉमर्स, एक जिसे कहा जाता है आर्ट्स, आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस में क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ह्यूमैनिटीज में क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बहुत सारे करियर काउंसलिंग करने वाले टीचर्स बच्चों को कहते हैं बेटा जो तुम्हारे मन में आए वो लो। एक बच्चा कहता है मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे मन में क्या आ रहा है, तो पहले इंफॉर्मेशन लो फिर डिसाइड करो। तो आई विल टेल यू कि साइंस क्या है, आई विल टेल यू कि 11th क्लास के अंदर कॉमर्स में क्या है, आई विल टेल यू कि 11th क्लास में आर्ट्स में क्या है, आपको क्या पढ़ना है, देन आई विल टेल यू कि साइंस लेकर आप क्या क्या कर सकते हो, देन आई विल टेल यू कि कॉमर्स लेकर आप क्या क्या कर सकते हो, एंड देन आई विल टेल यू कि आप आर्ट्स लेकर क्या क्या कर सकते हो, एंड देन आई विल लीव अप टू यू। मैं आप पे ये निर्णय, आप पे ये डिसीजन छोड़ दूंगा कि आप क्या करना चाहते हो। Ultimately, my dear lovely students, do not ever listen to anybody else for a pressurized decision. यानी अगर कोई आप पे दबाव बना रहा है, या आपके parents, या आपके भाई, या आपकी मम्मी, या आपके पापा, या कोई भी टीचर आपसे ये कह रहा है कि बेटा तू ये ले क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि आप सुनो सबकी लेकिन करो मन की, दिमाग की, दिल की, अपनी।
और अपनी करने से पहले पूरा ज्ञान प्राप्त कर लो। देखो ऑब्वियसली बात है कि आपके पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो आपको एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एडवाइस देने में और डिसीजन थोपने में फर्क होता है। एडवाइस तो मैं नहीं दे रहा भैया, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप साइंस ले लो क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं तो नहीं कह रहा कि आप कॉमर्स ले लो क्योंकि मुझे लगता है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि बेटा तू ये कर ले क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तेरे लिए ये सही है, बेटा तू वो नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरे लायक का नहीं है, तूने आज तक ये नहीं किया, तू वो क्या करेगा, तू कुछ कर नहीं सकता, ऐसे लोगों से अपने जीवन में मारो इनको गोली। ये जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हैं ना, अब तक आपके परिवार में, आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके साथियों में, आपके रिश्तेदारी में, अगर आपको अभी भी कोई अंडर एस्टिमेट करता आ रहा है कि बेटा तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू इस लायक नहीं है, तू उस लायक नहीं है, वो तेरे लिए नहीं बना, ये तेरे लिए नहीं बना, तू वो नहीं कर सकता, उसको देख वो कहां से कहां पहुंच गया। ए कंपैरिजन करने वाले मम्मी डैडी बता रहा हूं मत करो, ये कंपैरिजन बंद करो, कंपैरिजन करके आप गलत कर रहे हो। तो आपको मैं बता दूं कि दिस इज समथिंग रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। ये वो समय है, ये वो वक्त है जब आपको अपने बच्चे की काबिलियत समझनी है। अगर कोई पेरेंट्स मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई और तुम्हारी काबिलियत समझे ना समझे, तुम तो कम से कम ढूंढ के निकाल लो कि तुम किस लायक हो, तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है ये ढूंढो। और काबिलियत से पहले एक चीज और है जो तुम्हें अपने अंदर ढूंढनी है, वो है तुम्हारी रुचि। रुचि किसी लड़की का नाम नहीं है, रुचि का मतलब है इच्छा। इच्छा मतलब कि तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, पहले वो पहचानो, और तुम्हें क्या अच्छा लग सकता है वो पहचानो। योर इंटरेस्ट, योर पैशन, योर सेटिस्फैक्शन, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, योर थॉट्स, योर आइडियाज, योर स्किल्स, योर एबिलिटीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर ओन एबिलिटी टू डू समथिंग बेटर। ये 10 पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठा लो, इन 10 पॉइंट्स के साथ आप अपना करियर आसानी से चूज कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइंस की, कि 11th क्लास की साइंस में क्या पढ़ते हैं और किन बच्चों को साइंस लेनी चाहिए। देखो वो सभी स्टूडेंट्स जो 10th से 11th में जा रहे हैं, भैया 9th में तो साइंस पढ़कर आए हो और 10th में भी साइंस पढ़कर आए हो, 9th में भी आपने फिजिक्स पढ़ी है, 10th में भी आपने फिजिक्स पढ़ी है, 9th में भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, 10th में भी आपने बायोलॉजी पढ़ी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो बेसिक ज्ञान है वो सब आपने पढ़ा है बचपन में। आपने 9th में भी फिजिक्स पढ़ी है, आपने 10th में भी फिजिक्स पढ़ी है, 9th में जो चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स के पढ़कर आए हो, 10th में जो चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स के पढ़कर आए हो, 11th की केमिस्ट्री, 10th की केमिस्ट्री, 12th के 9th की केमिस्ट्री, 9th की बायोलॉजी जो आप पढ़कर आए हो, वही सब कुछ रिपीट होता है। बिल्कुल सही सुन रहे आप, वही सब कुछ रिपीट होता है, बिल्कुल सही सुन रहे आप, वही सब कुछ रिपीट होता है 11th क्लास में। और अगर 9th की साइंस ने और 10th की साइंस ने आपको अपने साथ अपना दोस्त बनाया है, अगर 9th की साइंस और 10th की साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स के सवाल आप आज भी ढूंढना चाहते हो, क्योंकि 9th की साइंस ने शायद ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट आपको दिए होंगे जिनके कारण आपके मन में उठा होगा सवाल और कक्षा में मचाया होगा आपने बवाल, तब टीचर ने कहा होगा बेटा बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो मिलेगा जवाब इस सवाल का। तो जब टीचर कहती है ना कि बेटा बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो जवाब मिलेगा इस सवाल का, तो भैया वो जो सवाल का जवाब आप बड़ी क्लास में ढूंढ रहे हो वो बड़ी क्लास 11th की है भाई, वो बड़ी क्लास 12th ही है। सो माय डियर ऑल 10th क्लास वाले प्यारे प्यारे बच्चों, जिनका 9th और 10th में था साइंस में बड़ा इंटरेस्ट, जो आज भी 9th की फिजिक्स, 10th की फिजिक्स, 9th की केमिस्ट्री, 10th की केमिस्ट्री, 9th की बायोलॉजी, 10th की बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, बिकॉज़, गिव मी द रीजन, आई वांट टू नो, आई वांट टू एक्सप्लोर, हु डिस्कवर्ड, व्हाई दिस, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट, व्हाई कांट वी डू दिस, व्हाई कांट वी डू दैट। साइंस आपके लिए बनी है, बिल्कुल सही, साइंस आप ही के लिए बनी है भैया। अगर आप अपने आप को ऐसा ढूंढ पा रहे हो, आईना दिखा रहा हूं मैं आपको, आईना आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं, आइडेंटिफाई करो कि अगर आप ऐसे बने हो तो भाई साइंस
आपके लिए है। वेलकम टू द साइंस स्ट्रीम ऑफ क्लास 11th। फिजिक्स आपको पढ़ने को मिलेगी, केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी। ये तीन कोर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप पीसीबी लेते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो जनरली पीसीबी लेते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो जनरली पीसीएम लेते हैं। उन्हें मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है, लेकिन एक छोटा सा एडवाइस मैं अक्सर देता हूं, वो डॉक्टर पढ़ने वाले बच्चे बनने वाले बच्चे जो मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, जो आगे चल के किसी भी प्रकार की डॉक्टर बनने की स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, और किसी भी प्रकार के डॉक्टर में याद रखना कि डॉक्टर सिर्फ वो नहीं होता जो MBBS की डिग्री करता है, सिर्फ MBBS की डिग्री करने वाला डॉक्टर नहीं होता। अगर आप किसी को कहो ना कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो गर्व से कहो कि आप क्या बनना चाहते हो, एंड सिर्फ MBBS की डिग्री के पीछे मत भागना मेरे डियर प्यारे प्यारे बच्चों। कुल मिलाकर 5-6-7 डिग्री है जो आपको डॉक्टर बना सकती है। मैं भी एक डॉक्टर हूं। आई एम नॉट अ MBBS बट आई एम अ प्राउड डॉक्टर। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। मेरी भी डिग्री मेरे नाम के आगे मुझे डॉक्टर लगाने का अधिकार देती है। सिर्फ MBBS की डिग्री करके आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता है। और बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्ट्रीम्स हैं जिनको कर जिनको जानकर, जिनको परखकर, जिनको समझकर आपके नाम के आगे आपको डॉक्टर लगाने का मौका मिलता है। तो डॉक्टर लगाने के लिए आपके नाम के आगे जो भी मेडिकल डिग्रीज आपको परस्यू करने के लिए मौका दे सकती है, उनके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। क्या ऐसी डिग्रीज है जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकती है? MBBS, नो डाउट दैट इट्स अ 5-year लॉन्ग मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री। MBBS एक डिग्री है। BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। MBBS स्टैंड फॉर आपका मास्टर्स एंड बैचलर्स है। इसके अंदर सर्जरी के डॉक्टर बन रहे हैं, आप एक फिजिशियन बन रहे हैं। आप एक नॉर्मल डिग्री जो हासिल कर रहे हैं MBBS की, वो आपको मेडिकल ग्रेजुएट बनाती है। अच्छी खासी डिग्री है, बट सिर्फ अकेली ये डिग्री नहीं है। सिर्फ ये अकेली डिग्री नहीं है जो आपको डॉक्टर बना रही है। आप डेंटल सर्जन बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, BDS कर सकते हैं आप। यू कैन बिकम अ होम्योपैथिक डॉक्टर, BHMS की डिग्री कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, BPT, 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 यू कैन बिकम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, BOT, यू कैन बिकम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, BAMS, यू कैन बिकम एन इंद्रानी डॉक्टर, BIMS, यू कैन बिकम अ यूनानी डॉक्टर, यूनानी स्पेशलिस्ट, BUMS। BHMS stand for Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. BPT stand for Bachelor of Physiotherapy. बिल्कुल सही। MBBS stand for Bachelor of Medicine and Surgery. BPT stand for Bachelor of Physiotherapy. BUMS stand for Bachelor of Yunani Medicine and Surgery. ये उन सभी बच्चों के लिए जो साइंस लेकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेरी आपको सजेशन है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आप चूज करोगे यार, मैथ्स मत छोड़ना। देखो, हो सकता है मेरी ये बात बहुत सारे बच्चों को बुरी लगे और बहुत सारे टीचर्स को चुभ जाए कि कैसा एडवाइजर है, कैसा करियर काउंसलर है, बच्चों को मैथ्स लेने के लिए कह रहा है, बायो वाले बच्चों को। तुम क्या पंडित से लिखवा कर आए हो कि तुम्हारा डॉक्टर बनना गारंटेड है? नहीं ना। तो फिर मैथ्स लेकर आप अपने करियर ऑप्शंस को और बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट किसी ऐसे सब्जेक्ट में बन जाए, किसी ऐसी फील्ड में बन जाए, किसी ऐसी स्ट्रीम में बन जाए जहां मैथ्स एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्या कह रहे हो? तब किताब देखी जाएगी। हाँ, मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, मैंने प्रेशर नहीं डाला। मैं एडवाइस दे रहा हूं। मेरी एडवाइस फॉलो होती है तो अच्छी बात, नहीं होती तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स में PCMB लेते हैं। एक PCMB वाला बच्चा दुनिया का कोई भी करियर ऑप्शन आसानी से परस्यू कर सकता है। बट मेरी तरफ से आपको आपकी स्ट्रीम चूज करने के लिए कोई प्रेशर नहीं है। कोई दबाव नहीं है। अपना इंटरेस्ट देखो भाई। अब सवाल आता है कि सर, अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या है? बेटा, बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो पीसीबी लेके आप इतना कुछ कर सकते हो कि जितना कुछ मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो फिर सेमिनार किस काम का? डोंट वरी माई डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल इस सेमिनार का मकसद आपको स्ट्रीम्स की लिस्ट बताना नहीं है। इस सेमिनार का मकसद आपको रास्ता चुनना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको रास्ता चुनने के बाद मंजिलों का ज्ञान हो सके, तो इस सेमिनार
के अंदर मैं आपको वो सारा ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सारा ज्ञान जो मैं अक्सर बच्चों को देता हूं वो मैंने अपने साथ एक बुकलेट में सबमिट कर रखा है। ये पूरी बुकलेट है, इसे मैं अक्सर कहता हूं करियर डिस्कवरी बुकलेट। ये बुकलेट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहा भाई, इसके कोई पैसे नहीं है भाई, फ्री में है, सबके लिए फ्री में। आप इस सेमिनार को पहले पूरा देखिए, इस सेमिनार के एंड में मैं अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और अगर नहीं भी करता हूं तो आपको वैसे भी यहां नजर आ ही रहा है, तो मेरे इस नंबर पे आप अपना नाम, आपका शहर, आपकी क्लास लिखकर कर देना व्हाट्सएप इस नंबर पे। इस नंबर पे मत करना, पहले वाले नंबर पे 9911381716। मैं ये पूरी बुकलेट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, देखो पढ़ो समझो जानो पहचानो, पहचान के डिसीजन तुम आसानी से ले पाओगे। तो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं भैया अमन सर, आपकी मदद कर रहा हूं, इसमें कोई दाम नहीं है। फोटो खींचूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, आपको भेजूंगा, काय का पैसा, इंटरनेट मेरा भी जाएगा, इंटरनेट आपका भी जाएगा, लेकिन फायदा आपको मिल जाएगा और मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा आपको फायदा पहुंचाकर। ये बुकलेट आप लीजिएगा और पढ़िएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा, आपको काफी फायदा मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर आपने जो ये बातें बताई या जितनी भी चीजें आपने समझाई, ये सारी बातों से हम ये समझ जाए कि हमें साइंस में क्या पढ़ना है। अरे उसी बात का मैंने अभी साइंस वालों की बात करी है, इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा जो साइंस वाले बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कॉमर्स वालों की, बात करते हैं कॉमर्स वालों की। आपने अक्सर अपने दोस्तों के साथ कई बार अपने जीवन में लेन देन किया होगा, कई बार आपने बड़े बड़े बिजनेस को देखकर अपने आप को वहां देखने की कोशिश करी होगी, कई बार आपने चीजों को कम दाम पे खरीद कर ज्यादा दाम पे बेचा होगा, कुछ ना कुछ लेन देन हिसाब, तेरा मेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तुझे नहीं दूंगा, मुझे क्या फायदा, तुझे क्या फायदा, तुझे नहीं बेचूंगा, उसे नहीं बेचूंगा, इतने दाम पे बेचूंगा, इतने दाम पे खरीदूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, ये आइडिया, वो आइडिया। अगर आपका दिमाग ऐसा है, अगर आपको व्यापार, बिजनेस, पैसा, ट्रेड, ये सब चीजों में रुचि है, अगर आप नंबर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, चीजों का हिसाब रखना पसंद करते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में होने वाली सारी गतिविधियां आपको इंटरेस्ट देती हैं, आपको इनके बारे में जानना, पढ़ना, पहचानना अच्छा लगता है, तो कॉमर्स आपके लिए बना है। वेलकम टू द नेक्स्ट स्ट्रीम ऑफ 11th क्लास, दैट इज द कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स इज ऑल अबाउट ट्रेड, कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आज की डेट में जिसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ये वो व्यक्ति होता है जो आज की डेट में अपने किसी भी प्रकार के स्किल, अपने किसी भी प्रकार की एबिलिटी, अपने किसी भी प्रकार के आइडिया, अपने किसी भी प्रकार के थॉट का इस्तेमाल करके एक बिजनेस खड़ा रखने की हिम्मत रखता है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड टू समबडी, ही बिकम समबडी हु एम्प्लॉयज मेनी मेनी बडीज। आपको मैं हिंदी में मतलब समझाता हूं इस बात का, इंस्टेड ऑफ ऐसा व्यक्ति बनने की बजाय जो किसी और की नौकरी करे, कुछ ऐसा करिए जिसकी सब बाकी लोग नौकरी करें। जी हाँ, अगर आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो किसी और की नौकरी ना करके बाकियों को अपनी नौकरी पर रखना चाहता है, यानी अपने पास काम करवाना चाहता है, तो आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और आपके लिए कॉमर्स इंतजार कर रही है, आपके लिए बनी है कॉमर्स की स्ट्रीम। वो सभी बच्चे जो अब तक ये सोचते रहे कि नहीं भाई साइंस मुश्किल है इसलिए मैं कॉमर्स ले रहा हूं, कॉमर्स भी मुश्किल है, साइंस भी मुश्किल है, आर्ट्स भी मुश्किल है, अरे कुछ मुश्किल नहीं है, नथिंग इज मुश्किल। सब चीजों की अपनी अपनी कीमत है, सब चीजों की अपनी अपनी अहमियत है, सब चीजों की अपनी अपनी वैल्यू है। आपके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, कि जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का व्यू पॉइंट नहीं है, मेरा व्यू पॉइंट सब पे फिट बैठता है। तो आप किसी के कहने पे कि साइंस मुश्किल है इसलिए तू कॉमर्स ले ले, ये सोचकर साइंस मत छोड़ना यार। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस के सब्जेक्ट में है तो साइंस लेना, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इन सब चीजों में है जो मैंने आपसे अभी कही, आप कॉमर्स लेना। कॉमर्स में आपको क्या पढ़ने को मिलता है, कॉमर्स में आपको पढ़ने को मिलता है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट जिसे कहते हैं अकाउंट्स, अकाउंटेंसी जिसे कहा जाता है, अकाउंट्स कहा जाता है। अकाउंट्स में आप वो सारी चीजें पढ़ते हो जो एक बड़े से बड़े बिजनेस से ताल्लुकात रखने वाली टर्म्स होती है। आप किसी मॉल में जाते हो,
किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, किसी मार्केट में जाते हो, तो आपने अक्सर देखा होगा बिलिंग काउंटर पे एक व्यक्ति बैठा होता है, वो अकाउंटेंट है जो उस बिजनेस में हर एक रुपए का पूरा लेखा जोखा, उस बिजनेस में, उस दुकान में आने वाले हर एक पैसे और जाने वाले हर एक पैसे का पूरा हिसाब रखता है। आपकी मम्मी, आपके पापा तक घर के खर्चे का पूरा हिसाब रखते हैं कि इस महीने घर में आटा इतने रुपए का आया, सिलेंडर इतने रुपए का आया, इतना पैसा आपके स्कूल की फीस में जमा कराया, नए सेशन में आपको किताबें दिलाई जाएंगी, उनकी डायरी में ये जगह जरूर बन पाएगी, वो अपने पास लिखेंगे कि आज मैंने अपने बच्चे को उसके बर्थडे पे ये दिया, वो एक एक चीज का हिसाब रख रहे हैं। और जब आप ये चीज बड़े लेवल पे थोड़ा अच्छे तरीके से करते हो, देन इट बिकम्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉल्ड एज अकाउंट्स। देन कम्स हमारा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। यार इकोनॉमिक्स तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हो, जो इकोनॉमिक्स आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हो वैसे ही इकोनॉमिक्स थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में जाके अर्थशास्त्र, आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक विज्ञान, देश का पैसा कहां से आ रहा, देश का पैसा कहां है जा रहा, देश में पैसा कितना है लग रहा, कितना है उछाल आ रहा, कितनी है डिमांड, कितनी है सप्लाई, कितनी है प्रोडक्शन, कितना है उसका मल्टीप्लिकेशन, कितना है उसका डी, सारी चीजें, वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स से ताल्लुकात रखती है। स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ने को मिलता है इकोनॉमिक्स में, डिमांड सप्लाई ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलती है जो क्लास 10th के सोशल साइंस में पढ़ रहा है, यानी क्लास 10th की एसएसटी में जो आपने चीजें पढ़ी, अगर इन चीजों ने आपको जरा भी दी है रुचि, तो बनी है आपके लिए साइंस की कुची। कहने का मतलब ये कि बनी आपके लिए कॉमर्स, कॉमर्स मैंने साइंस कह दिया गलती से, कॉमर्स ही आपके लिए बनाए, आप कॉमर्स, आपका इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स का आपका सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल आपके काम आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट नंबर्स पे है, आपका इंटरेस्ट बिजनेस पे है, आपका इंटरेस्ट व्यापार में है, आपका इंटरेस्ट लेन देन में है, इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, इफ यू वांट टू परस्यू अ डिग्री इन बिजनेस, यू हैव अ डिग्री कॉल्ड एज एमबीए, यू हैव अ डिग्री कॉल्ड एज बीबीए, आप कॉमर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। सीए आप जानते हैं वो व्यक्ति होता है जो किसी भी एक बड़े से बड़े बिजनेस का पूरा हिसाब रखता है, पूरा अकाउंटिंग रखता है, और ऑडिटिंग में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेस के अंदर जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, कितना हिसाब है, कितने पैसे से बिजनेस शुरू हुआ, कितने पैसे से बिजनेस खत्म हुआ। अब 31 मार्च की जो डेट होती है, इस पे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब सब अपनी डायरी क्लोज करते हैं, सब ये कहते हैं कि मैंने साल की शुरुआत में इतना पैसा लगाया था, साल खत्म होते होते मैंने इतना पैसा दबाया है, इतना पैसा मेरे पास बचा है, इतना मेरा प्रॉफिट आया है, इतना मेरा लॉस हुआ है, इतना मेरा इन्वेस्ट हुआ है, इतना मुझे फायदा हुआ है, इतना मुझे नुकसान हुआ है, यही सब तो कॉमर्स वाले करते हैं। और अगर आपको ये सब करने में आएगा मजा, तो कॉमर्स आपके लिए बनी है। देख रहे हो बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट कैन इंटरेस्ट यू, मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट कैन बी बेनिफिशियल टू यू, कि क्या चीज आपके लिए बनी है, क्या चीज आपके लिए बनी है। अब बात करता हूं नेक्स्ट, ये कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे, तो अकाउंटेंसी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स में आपको पढ़ने को मिलता है। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज अ बिजनेस स्टडीज एंड देन इंग्लिश एंड देन मैथमेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर कोई है साइंस और कॉमर्स में, तो वो है मैथमेटिक्स, 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 मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, आई एग्री। जिन बच्चों का मैथ्स वाकई में बहुत वीक है, वो एक बार को कॉमर्स विदाउट मैथ्स परस्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स, लेकिन मैथ्स ने उनको तंग किया है, या जिन बच्चों को लगता है कि उनका मैथ्स वीक है और उसने उनको तंग भी बहुत किया है, मतलब कहने का ये है कि मैथ्स आपको तब छोड़ना चाहिए जब वाकई में मैथ्स ने आपको बहुत तंग किया है। लेकिन अगर आपका मैथ्स वीक नहीं है, आप किसी कारण से प्रैक्टिस की कमी की वजह से उसे मैनेज नहीं कर पाए, देन आई नेवर सजेस्ट यू टू लीव मैथ्स। You can leave maths only when you feel that it has been really a very big haunting factor in your academic preparation of other subjects. जब maths के दुख और दर्द ने, maths के डर ने आपको बाकी चीजों के preparation में बाधा का काम किया है, तो भाई फिर बिना maths के आगे बढ़ जाओ। But I always suggest कि चाहे student science का हो,
चाहे स्टूडेंट कॉमर्स का हो, मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनी स्टूडेंट। मैथ्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैथ्स के बिना जीवन नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं मैथ्स को प्रायोरिटी देने के लिए एडवाइस कर रहा हूं, कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे इस करियर काउंसलिंग सेमिनार के तीसरे पड़ाव पे, यानी बात करने जा रहा हूं मैं तीसरी करियर ऑप्शन ऑफ क्लास 11, जिसे अब तक सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करनी चाहिए, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स लेना चाहिए, जिन्हें जो आर्ट्स लेना चाहते हैं। पहला मेरा ऑप्शन, अगर आपको साइंस और कॉमर्स में कुछ ऐसा नहीं है जो मन को है बाहर आ, अगर आपको साइंस में और कॉमर्स में कुछ ऐसा नहीं है जो आपके मन को है बाहर आ, लेकिन दिल में एक विचार कुछ अपना करने को है चाह रहा, लेकिन दिल में है विचार कुछ अपना करने को है चाह रहा, यानी साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं सर कि आपका अंदर का कोई हुनर उभर का है, उभर कर है आ रहा, आपके अंदर का हुनर उभर कर है आ रहा। मतलब ये दैट इफ यू वांट टू फॉलो योर पैशन, इफ यू वांट टू फॉलो योर स्किल, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ जो आपको लगता है कि आप अपनी एबिलिटीज के बेसिस पे करना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आप अपना करियर अपने पैशन में बनाना चाहते हैं, अपने स्किल में बनाना चाहते हैं, तो आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं हमारे देश में बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं। स्किल बेस्ड मतलब कि आप ये सीखना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप ये अच्छा कर सकते हो, जैसे कि एक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन एक्टर टू, मैं आपके सामने एक एक्टर हूं, मेरा एक पैशन है, मैं अपनी इच्छा से एक्टिंग करता हूं क्योंकि मुझे वो चीज अच्छी लगती है। तो एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, कैमरा हो गया, फोटोग्राफी हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए आर्ट्स लेकर करना आसान है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ये इसलिए चुनो क्योंकि आप ये करना चाहते हो, लेकिन अगर आप आर्ट्स लेके इन्हीं को अपना करियर बनाना चाहते हो तो साइंस और कॉमर्स लेने से अच्छा आर्ट्स ले। बट ऐसा नहीं है कि साइंस वाला बच्चा फोटोग्राफर नहीं बन सकता, कॉमर्स वाला बच्चा कोई अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकता, कर सकता है, वो आपकी चॉइस है। बट अगर मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अ स्टूडेंट हु गोज फॉर अ ह्यूमैनिटीज कैन बिकम अ लैंग्वेज टीचर, कैन बिकम अ लेक्चरर, कैन बिकम अ साइकाट्रिस्ट, कैन बिकम अ काउंसलर, कैन बिकम अ बैंकर, कैन ऑल्सो डू अदर मेनी थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द स्ट्रीम ऑफ आर्ट्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज लेकर अगर कुछ चीज सबसे अच्छी कर सकता है तो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो साइंस वाले भी दे सकते हैं, वो कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी दे सकता है। बट जनरली अगर आपका टारगेट है कि आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, जय हिंद, आपका टारगेट है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, आपका टारगेट है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपका टारगेट है कि आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपका टारगेट है कि आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भैया ह्यूमैनिटीज आपके लिए बनी है। आप आर्ट्स स्ट्रीम परस्यू करें, उसमें आपको क्या पढ़ना है वो सब कुछ जो आप क्लास टेंथ में सोशल साइंस में पढ़ कर आए हो, बिल्कुल सही आपने सुना, क्लास टेंथ की सोशल साइंस में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपने सिविक्स पढ़ी है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इंग्लिश तो आप पहले से पढ़ते आए हो, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज में स्टूडेंट्स को पढ़ने को मिलते हैं, जो ह्यूमैनिटीज में स्टूडेंट्स को जानने को मिलते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन चीजों में है तो ह्यूमैनिटीज आपके लिए बनी है। आई होप स्टूडेंट्स एटलीस्ट मैंने आपका एक व्यू पॉइंट क्लियर कर दिया, मैंने आपको आईना दिखा दिया कि तुम चुनो वो जो तुमसे कोई नहीं है कह रहा, तुम चुनो वो जहां तुम्हारा मन है बह रहा, तुम चुनो वो जो तुमसे कोई नहीं कह रहा, तुम चुनो वो जहां तुम्हारा मन है बह रहा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन नहीं है बह रहा कहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन नहीं बह रहा है कहीं, तो चुनो रहा वही जो तुम्हारे मन को आज की डेट में, वो रहा चुनो जो तुम्हारे मन को आज की डेट में लग रही है सही। बिल्कुल सही, आप नहीं जानते कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि आप आज क्या करना चाहते हैं।
भविष्य के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आज के बारे में तो पता है। आपको नहीं पता कि वो रास्ता वो मंजिल कहां ले जाएगी, लेकिन आज कम से कम आप अपना डिसीजन अपने इंटरेस्ट से ले रहे हैं। और एक चीज बता दो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और हारने वाला हमेशा कायर नहीं होता, ये याद रखिएगा। और जो हार जाता है वो कभी ना जीते, ऐसा तो कभी नहीं होता। इसलिए इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, एंड फेलियर डज नॉट मीन्स द रियलिटी ऑलवेज। ये बातें, तीन बातें अपने दिमाग में रखना। फेलियर इज नॉट द एंडिंग। अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हैं या आपको लगता है कि कोई चीज आप अपने जीवन में अब तक ढंग से नहीं कर पाए हैं तो भविष्य में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अब तक इस बात के लिए तिरस्कार किया जा रहा है। तो मैं आपको जरा कुछ कहानियां सुना दूं दुनिया के ऐसे कुछ महान लोगों की जिनकी कहानी शुरू ही फेलियर से हुई, जिन्होंने अपने जीवन में कामयाबी हासिल तो करी, ऐसा नहीं, उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी हासिल तो करी, लेकिन उनके जीवन में कामयाबी से पहले, बिल्कुल सही, फेलियर ने दस्तक दी। आओ बात करता हूं सबसे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट की, अभी वाले नहीं बहुत पहले वाले, अब्राहम लिंकन की। जानते हो अब्राहम लिंकन की कहानी क्या है बच्चों? लगातार 2 साल तक उनकी जिंदगी में उन्होंने केवल और केवल फेलियर का सामना किया। पॉलिटिक्स में उन्होंने शुरुआत में अपने जीवन में कदम रखा तो लगातार वो जिस पोस्ट के लिए खड़े होते थे हर इलेक्शन वो हारते चले गए, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आई। कुछ जगहों पर उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उन्हें नौकरी से रिजेक्ट कर दिया जाता था, वो नौकरी उनके हाथ से चली जाती थी। उसी जीवन काल में उनकी बीवी की मृत्यु हो गई, 3 बड़ी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया। उनकी बीवी की मृत्यु हो जाने के बाद वो खुद नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुए। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए दोबारा से सीनेट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ा, वो फिर से हारे। लगातार 2 साल तक इलेक्शन, नौकरी, बीवी, परिवार, सारी खुशियां हो गई बेकार। लगातार 2 साल तक बीवियां, खुशियां, जीवन हुआ बेकार। लेकिन पूरे 2 साल के फेलियर के सफर में उन्होंने एक बार भी हार नहीं मानी। एंड ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आप अच्छी तरह जानते हैं। आइए आपको एक बहुत बड़े लेखक की कहानी सुना दो, स्टीफन किंग। मैं स्टीफन हॉकिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्टीफन किंग एक बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर है, लिखा करते थे और उनके द्वारा लिखी गई किताबों को बहुत सारे अलग प्रिंटिंग और पब्लिशिंग हाउसेस के द्वारा धुतकार दिया गया, उनके मुंह पर फेंक दिया गया कि बेकार है, क्या लिखते हो तुम, ये भी कोई लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी धर्मपत्नी ने उनके द्वारा, मतलब वो इतना टूट गए थे कि उन्होंने अपनी किताबों को सीधा पूरे दान में डाल दिया, सीधा गार्बेज में डाल दिया। उनकी पत्नी ने उनके उस किताबों को गार्बेज से निकाला और अलग 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 जगहों पे जाके उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ाया। एंड ही बिकेम वन ऑफ द फेमस राइटर्स, बहुत बड़े लेखक हैं। उसी उनकी लेखिका से याद आया, उनका जो लेख था उसी के जैसी एक और लेखिका है जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जेके रावलिंग, अच्छी तरह जानते हैं आप जेके रावलिंग, अ सिंगल मदर, हैरी पॉटर की लेखिका, जो अलग 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 जगहों पे जाया करती थी और अपनी किताब, अपनी कहानी लोगों को सुनाया करती थी, लेकिन उनको लगातार धुतकारा जाता था, लगातार उनको इस बात के लिए बोला जाता था कि क्या लिख रही है आप, क्या है आप सुना। लेकिन उन्हें भरोसा था, किसे पता था कि 100 मिलियन से ज्यादा किताबें हैरी पॉटर की पूरी पृथ्वी पर बंटवा डालेंगी, वो $400 बिलियन का पैसा कमा डालेंगी, कौन जानता था। वो जानती थी अपने फेलियर से लड़ना, वो जानती थी कामयाबी को चखना। अरे थॉमस एडिसन की बात कर लेते हैं, द वन हु डिस्कवर्ड बल्ब, आप जानते हैं इस आदमी ने क्या कहा, अरे टोटल 999 अटेम्प्ट्स ही फेल्ड, बल्ब डिस्कवर नहीं हुआ लेकिन 1000 अटेम्प्ट पे बल्ब डिस्कवर हो गया। लोगों ने कहा भाई तुम्हारे पास इतना पेशेंस कहां से आई कि तुमने 999 बार पूरी कोशिश बार बार चलाई। कहता है ये किसने कहा तुम्हें कि 999 बार मैं फेल हुआ, मेरी हर एक अटेम्प्ट मेरी डिस्कवरी थी। किसी ने कहा बट यू वर नॉट एबल टू डिस्कवर, करा इफ आई वॉज नॉट एबल टू डिस्कवर बल्ब देन आई वॉज डेफिनेटली एबल टू डिस्कवर अ मेथड नॉट टू डिस्कवर बल्ब। एटीट्यूड देख रहे हो, उन्होंने कहा कि अगर मैं हर बार बल्ब को नहीं प्राप्त कर पाया या बल्ब डिस्कवर नहीं कर पाया तो तुमने ये नहीं देखा कि हर बार मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया जिससे बल्ब डिस्कवर नहीं होता। थॉमस एडिसन की कहानी, अब्राहम लिंकन की कहानी,
जेके राउलिंग की कहानी, स्टीफन किंग की कहानी कम है या और सुनाओ दो चार और कहानी, चलो सुनाता हूं। होइचिरो होंडा वही व्यक्ति है जिन्होंने होंडा कंपनी को जन्म दिया है। आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में होंडा का कितना बड़ा नाम है, दुनिया के कितने देशों में सिर्फ एक ही प्रकार की गाड़ी चलती है, होंडा की गाड़ी, और भी ऐसे ब्रांड्स हैं। वो एक बार नौकरी मांगने गए टोयोटा की कंपनी में और टोयोटा वाले ने कहा आपका ज्ञान है जीरो, नहीं बन सकते आप कभी हीरो, मत आना कभी यहां हमारे पास, आपकी नॉलेज बेकार है, नहीं बना सकते आप, कोई कार है। होंडा ने कहा अच्छा देखो कैसे ना बनूंगा मैं हीरो और कैसे ना चलेगी सड़कों पे मेरी कार, आज के बाद मत कहना मुझे बेकार। होंडा ने टोयोटा का राइवल बनके मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी को लॉन्च किया। तो इसलिए अपने जज्बे को, अपनी इच्छा को, अपने एटीट्यूड को, अपने इमोशन को, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को कभी दबने ना देना। दोबारा रिपीट करूंगा, परिस्थितियों को दोष मत दो। आपके जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी बच्चों, और वो सिचुएशंस के चलते हो सकता है कि कोई भी चीज आप चुन ना पाओ, लेकिन उन सिचुएशंस को अगर आपने कभी दोष दिया तो आप गलत है। डू नॉट ब्लेम द सर्कमस्टांसेस दैट यू हैव अराउंड यू। हिंदी में समझाओ तो परिस्थितियों को दोष मत दो। इसी से ताल्लुकात रखने वाली कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। डूबता वो नहीं जो पानी में गिर जाता है, डूबता तो वो है जो गिर के तैर नहीं पाता है। डूबता वो नहीं जो पानी में गिर जाता है, डूबता तो वो है जो पानी में गिर के तैर नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियों के आगे, जो झुक जाता है वही कामयाबी नहीं पा पाता है, और जो करे परिस्थितियों का डटकर सामना वो विजेता ही कहलाता है। बातें समझ आ रही है बच्चों? अपने दिल से ये बातें कही है मैंने आपसे, कोई किताब विताब लेके नहीं बैठा हूं मैं। हाँ कुछ मटेरियल जरूर प्रिपेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, कि कम से कम मेरे द्वारा दी गई इतनी सारी बातें, बताया गया इतना सारा ज्ञान और बहुत सारी चीजें जो आपके और मेरे बीच में, आपको मुझसे, मुझको आपसे, हमको एक दूसरे से जोड़ती हैं और हमारे बीच में आने वाली हर बाधा को तोड़ती हैं, तभी बनेगी जीवन की गाथा। आपका और मेरा है लंबा नाता, क्योंकि मुझे आपको है कामयाब देख पाना। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने मेरा ये लेक्चर कहिए, या मेरा ये सेमिनार कहिए, या बातें, या आपका और मेरा प्यार कहिए, जो आज मैंने आप लोगों के साथ बांटा, मैंने आप लोगों को काउंसिल किया, मैंने आप लोगों को मार्गदर्शन किया, मैंने आप लोगों को रास्ता दिखाया कि क्या आप अपने जीवन में चुन सकते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने साल 2020 में कदम रखा है 10th से 11th में, मेरा ये वीडियो आपके आज भी काम आएगा और भविष्य में, और वो सभी स्टूडेंट्स के काम आएगा जो 10th से 11th में जा रहे हैं या जो आगे भविष्य में कोई निर्णय लेना चाहते हैं। दिस वीडियो इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो टू हेल्प यू डिसाइड दैट व्हाट यू शुड चूज एज अ स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। फिर भी मन में रह जाए कोई कम, अरे अमन सर लगा देंगे अपना पूरा दम। फिर भी रह जाए तुम्हारे मन में कोई गम, अमन सर लगा देंगे अपना पूरा दम। तुम्हारी करने को मदद हमेशा। हम है तैयार, मत समझना खुद को कभी तुम बेकार। मेरा नंबर आपके पास है बच्चों। आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पर्सनली बात करना चाहे, आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पर्सनली मैसेज में बात करना चाहे, किसी भी प्रकार की गाइडेंस आपको चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए 9911381716। एक बार में शायद कॉल ना उठाओ, लेकिन पहले व्हाट्सएप करो, पहले मैसेज करो, देन वी कैन डिसाइड कि आपके मेरे बीच में कब बात हो सकती है। और मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं, ये मेरा है आपको वादा, पूरा करूंगा अपना इरादा। आप लोग जिस भी क्लास में जा रहे हैं उस क्लास में पहुंचकर मेरी तरफ से आपको जो मदद चाहिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखो। मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। भविष्य में आपको मेरे द्वारा कोई किताबें, कोई स्टडी मटेरियल, कोई नोट्स, कोई असाइनमेंट, कुछ भी चाहिए हो, आई एम रेडी टू गिव एवरीथिंग टू यू। मेरी तरफ से हर प्रकार की मदद, मैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप लोगों की मदद करने को तैयार हूं। तो आप फायदा उठाइए, और हाँ
मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखो, आग की तरह फैला देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत बच्चों की मदद कर सकता है। शेयर इट विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, किसी का भला करने में कुछ नहीं जाएगा आपका। शेयर इट विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट हैं, कौन है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन फायदा सबको मिले मैं एक बात यही हूं मानता। शुक्रिया वंस अगेन। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों अपने साथियों को भी एनकरेज करिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।